आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, मैं हूं नैंसी। आज हम आपको लेके आए हैं सिरसा के नजदीक एक ऐसे गांव में जो कि पांच पीरों के नाम पर स्थित है। और इस गांव की सबसे बड़ी बात ये है कि जो पांच पीर हैं वो अलग अलग दिशाओं में हैं, और इन पीरों के कारण जो है गांव में कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, जैसे कि बाढ़, वर्षा, अत्यधिक वर्षा या कोई भी प्राकृतिक आपदा है जैसे भूकंप इत्यादि, कुछ भी नहीं आता है। इस गांव का नाम है गांव पंजुआना। चलिए दर्शन कराते हैं आपको पंजुआना गांव के, पांच पीरों के, और इसी तरह जो पंजुआना गांव की विशेष चीज़ें हैं उनके। आज से करीब 250 वर्ष पहले मुगलों का राज था। उस समय काफी मुस्लिम लोग यहाँ आकर रहने लगे थे। जिस प्रकार हर शहर व गांव के नाम के पीछे कोई ना कोई महानुभाव होता है, उसी तरह इस गांव के पीछे भी एक महानुभाव है। काफी समय पहले मक्का मदीना से चलते हुए गांव में पंजू नामक पीर आए थे। उन्होंने गाँव में डेरा डाल लिया था। उन्होंने लोगों की समस्याएं दूर की और अनेकों चमत्कार किए। दो दशक पहले पंजू पीर मक्का मदीना से बाबा रामदेव की परीक्षा लेने के लिए भारत पहुंचे थे। लोगों की आस्था उनमें इतनी बढ़ गई कि पंजू पीरों के नाम पर उन्होंने गांव का नाम पंजुआना रख दिया। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे। माता जी, आप पंजुआने में कितने समय से हैं? वो 200 साल पुराने। 200 साल लगभग? लगभग। और जो यहाँ पे मस्जिद है ये बहुत पुरानी मस्जिद है, तो ये लगभग कितने साल पुरानी है? लगभग 200 साल पुरानी। ये भी लगभग 200 साल पुरानी है। मुसलमान थे? मुसलमान। अच्छा। थे दो घर, बाकी सारा मुसलमान का काम था, सारा ही। कोई हिंदू आता था तो रोटी मारे घरे खाता सी, खाना मारे कर खाता सी। तो ये पंजुआना गांव का नाम पंजुआना किस आधार पे रखा गया? ये रखा गया पंच पीरों से। पंच पीरों से? हाँ, पंच पीरों के सारे थे ये पंजुआना बने। बहुत दुनिया दूर दूर आंदी है इतने, को ना नेहरी आवे, ना मीह आवे, ना तूफान आवे। बहुत शक्ति वाला है पंच पीर। ये देखिए, अभी हम गांव पंजुआना के राज्य पशु चिकित्सालय के बाहर खड़े हैं। हम ये आपको दिखाते हैं कि गांव के अंदर भी जो है पशु चिकित्सालय जो है बनाया गया है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र सिंह जी, जो एडवांस युवा क्लब के प्रधान हैं। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं गांव को लेके, इन्होंने क्या क्या काम किया है। हेलो सर। नमस्कार सर, आपने अभी तक गांव के लिए क्या क्या सामाजिक कार्य किए?
हमने जी शुरू से सबसे पहले हमने स्वच्छता का अभियान चलाया था और उसी के माध्यम से हमने काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं। जैसे कि गांव के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है और उससे हम गांव के ही सहयोग से पैसे इकट्ठा करके और गांव पे लगाते हैं जी। और हर संडे हम ये सेवा करते रहते, जैसे स्वच्छता का अभियान चला दिया या कोई कहीं सरकारी स्कूल में या किसी सरकारी संस्था में ज़रूरत है वहाँ पे सफाई की या कोई और किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और यही हमारा लक्ष्य भी है। हम हमेशा करते रहेंगे, जब भी हमें समय लगता रहेगा हम अच्छे से अच्छे कार्य करते रहेंगे। आगे के लिए आपने क्या सोचा है गांव के लिए? हमारे क्लब ने सोचा है कि हमारे जितने भी साथी हैं कम से कम 20-25 की काउंटिंग में हमारे साथी हैं, सभी का हमारा यही लक्ष्य है कि आगे अपने गाँव को बड़े पैमाने पर लेके जाना है। और जितने भी हमारे साथी हैं उनका यही लक्ष्य है कि जो भी काम करेगा अपने सच्चे दिल से करा, निस्वार्थ करेगा और अच्छे से अच्छा कार्य करता रहेगा। और हमारे नशे के ऊपर भी बहुत प्लान चलते रहते हैं, जैसे कि हमने ब्लड डोनेशन का काम पहले भी लगवाया था और अब भी नेक्स्ट इवेंट है जो हमारा 1 जुलाई को, वो ब्लड डोनेशन के ऊपर ही है जिसमें हमने SP साहब को, श्री हामिद अख्तर जी को इन्वाइट किया है, तो हमने वो प्रोग्राम रखा है नेक्स्ट ब्लड डोनेशन। ये देखिए अभी हमने आपको पूरा पंजुआना गांव दिखाया जो कि 5 पीरों के नाम पर स्थित है और 5 पीरों के दर्शन भी करवाए और जिस तरह गांव में पूरी फैसिलिटी है उससे भी हमने आपको रूबरू करवाया। इसी तरह हम आपको और भी गांव से रूबरू करवाते रहेंगे। समय समय पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो ये था गाँव जो है पंजुआना। तो जुड़े रहिए पल पल के साथ, मैं हूँ नैन्सी, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ। धन्यवाद।